खुद आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी मीडियम के 2 दिन के कलेक्शंस के बारे में, वो भी चाइना के। जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि कलेक्शंस बहुत बढ़िया हुआ है इस फिल्म का। पहले दिन का कलेक्शंस मैं बताऊंगा इस वीडियो में, दूसरे दिन का फिलहाल जान लेते हैं। 6.26 मिलियन डॉलर यानी कि 9.69 मिलियन डॉलर का टोटल कलेक्शंस हुआ है। 12,73,000 यानी 12,70,234 एडमिशन्स मिले, यानी कि इतने टिकट्स बिके हैं, जो अपने आप में कमाल की बात है। शोज़ 40,000 के ऊपर ही है, जो एक अच्छी खासी बात है। नई रिलीजेज जो हुई थी, द स्नो क्वीन और वह कहाँ गई, हाँ, कैट्स एंड पीच टोपिया, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान करने में कामयाब नहीं रही हिंदी मीडियम को। इवन दूसरे दिन जिसका था ब्रेथ ऑफ साइलेंस, उस फिल्म ने भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। यानी कि एक फिल्म जो सबसे आगे हिंदी मीडियम के वो है रेडी प्लेयर वन, और 3 दिन का चाइनीज लोगों का कुछ फेस्टिवल चल रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है हिंदी मीडियम को, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कलेक्शन आ रहा है वो एक बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कलेक्शन कितना हुआ है, कहाँ गया। मेरा ट्विटर पर जा रहा हूँ और प्रॉपर आपको लेटेस्ट अपडेट का कलेक्शन जो है मैंने अपडेट किया है वो आपको बता दूँ। नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं है, तो एवेंजर्स का पोस्टर शायद है, तनादश ने दिया है। जी हाँ, ये कलेक्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है 3.34 मिलियन डॉलर कल का अपडेटेड, ठीक है। तो 21.71 करोड़ ये सुबह तक का अपडेटेड है। प्रॉपर डे टू का जो अभी तक कलेक्शन है 6.29 मिलियन डॉलर यानी कि 40.59 करोड़, यानी कि 2 दिन में 40 दूसरे दिन 40 करोड़ के ऊपर। मैंने प्रेडिक्शंस कितना दिया था आपको याद होगा, 30 से 32 करोड़, यानी कि मैं प्रेडिक्शंस बेहतर ही अर्निंग की है। कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 20-22 करोड़ कहा था, 25 करोड़, या जो बहुत कम भी कहा था बहुत लोगों ने, उनको लगा कि शायद दूसरे दिन फिल्म उतर जाएगी या कम चलेगी। लेकिन भैया आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, और टोटल हो चुका है 62.83 करोड़। आपको पता हो या ना हो तो मैं बता दूं, 69 करोड़ इसने इंडिया में कमाई थी लाइफ टाइम हिंदी मीडियम, यानी कल इसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। आई मीन खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ देगी, इंडिया में जितना कमाई थी उससे ज़्यादा कमा लेगी। लेकिन हाँ, ग्रॉस कलेक्शन है ये, वो नेट कलेक्शन था, लेकिन हाँ ग्रॉस कलेक्शन में भी तोड़ देगी हिंदी मीडियम का रिकॉर्ड, जो मेरे हिसाब से अगर ग्रॉस कलेक्शन को हम देखें कुछ 75 से 78 करोड़ का होगा इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हिंदी मीडियम का, तो उसको भी तोड़ देगी 3 से 4 दिनों में। एनीवेज ये टोटल है 62.83 करोड़, और मेरे हिसाब से इस ये फिल्म बहुत ही तेजी से जा रही है, और जिस हिसाब से भी इसके अपडेट्स मिलेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप कलेक्शन से कितने खुश हैं 62.83 करोड़ से, जरूर बताइए हिंदी मीडियम का। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही।